भारत समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। वाराणसी के ज्ञानवापी एसआई का आज दूसरे दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। इस दौरान 41 सदस्यों की टीम मौके पर मौजूद रही, जिसने परीक्षण किया। परिसर को तीन भागों में बांटा गया था। जहाँ जहाँ सर्वे होना था वहाँ वहाँ हमारे मतलब अधिकारी के साथ सहयोग किए, बहुत सहयोग किया, सहयोग हुआ। अब कल भी क्या सर्वे होना है? कल हाँ 8 से 5 होगा। कल 8 से 5 होगा। है कि बाहर की टीम आ जाए मशीन लेके सर्वे करने के लिए। तो आज का जो दिन था, जो सर्वे था आज के दिन का, वो पूरा हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि किन किन चीजों की रिकॉर्डिंग होगी, त्रिशूल चिन्ह की रिकॉर्डिंग होगी और इन इन जगहों पर सर्वे होगा। तहखाने की जांच होगी, स्वास्थ्य की आकृतियों की रिकॉर्डिंग होगी, फूलों की आकृतियों की रिकॉर्डिंग होगी, वही घंटी से भी लिए जाएंगे सैंपल्स, ताकि वैज्ञानिक जो तथ्य है वो निकल कर सामने आ सके। इन जगहों पर सर्वे होना है कि कितना प्राचीन है ये, इसकी भी जाँच की जानी है। तहखाने की भी जांच पड़ताल होगी, गुंबद की जांच होगी, खंभों का भी सर्वे किया जाएगा। खंभों में जो आकृतियां बनी हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है खंभों में त्रिशूल की आकृति है, प्राचीन शैलियां वहां पर दर्शाई गई हैं, आखिरकार वो कितनी पुरानी है, किस शैली में है, तमाम चीजों की आगे जांच की जाएगी। इन जगहों पर सर्वे होगा, गुंबद की भी जांच होगी। तो ज्ञानवापी सर्वे का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन आज सुबह से ही एक्सपर्ट मौजूद थे। सुबह 7 बजे से सर्वे का काम पूरा हो गया था, शुरू हो गया था और 5 बजे तक चला। और कल सुबह फिर से सर्वे का काम यहां पर शुरू होगा। घंटी से भी लिए जाएंगे सैंपल, प्राचीनता की जांच होगी, त्रिशूल चिन्ह की रिकॉर्डिंग की जाएगी, तहखाने की जांच होगी, स्वास्थ्य की जो आकृतियां वहां पर पाई गई हैं उनकी भी बकायदा रिकॉर्डिंग की जाएगी, फूलों की आकृतियों की भी रिकॉर्डिंग होगी। यूपी सरकार में